आई होप आपने इलस्ट्रेशन नंबर वन कर लिया हो, एक बार फिर भी अपने आंसर चेक कर लीजिए. अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. अमर, ललित, चारू पार्टनर्स है पर पार्टनरशिप डीड नहीं है. जैसे ये पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, वो सिक्स पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए. पहला, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स. अमर ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है बाकी पार्टनर्स से. एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और डिमांड कर रहे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम. ललित और चारू एग्री नहीं कर रहे. खुद बताओ, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, नहीं देनी. सो अमर का क्लेम क्या होगा यहाँ पे? इनवैलिड. आगे, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस. ललित ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे बिजनेस में. एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, और सैलरी मांग रहे 5000 पर मंथ. देंगे? नहीं देंगे. क्यों? अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, मेरे को सबसे पहले लिखना होगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है एक सेकंड प्लीज, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी ये भी नहीं देंगे. आगे, चारों डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम. चारों डिमांड कर रही है इंटरेस्ट उसके लोन पे जो कि 50,000 का था. कितना परसेंट इंटरेस्ट मांग रही है? 12%. चारों ने 12% इंटरेस्ट मांगा है. खुद बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा बेटा, निकाल के दिखाना. 50,000 का 6% कैसे निकालते हैं? इंटू 6/100, 3000. अमर विड्रू रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म. अमर ने 10,000 रुपए निकाल लिए फॉर इज पर्सनल यूज. पर्सनल यूज यानी कि ये क्या हो गई? हो गई आपकी ड्रॉइंग्स. हो गई ड्रॉइंग्स. ललित एंड चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम. ललित और चारू कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करो. करेंगे ना? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं करेंगे. अब जरा इसको समझना आगे ध्यान से. तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वॉज 50,000. प्रॉफिट है इस साल 50,000 का. अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो. अमर डिमांड करता है कि जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में बांटो. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली. प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली शेयर होगा. लिखते कैसे हैं? प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली. यानी क्या हो जाएगी? अमर, ललित, चारू रेशियो हो जाएगी इक्वली है तो 1:1:1. तीन है तो 1:1:1. अगर दो होते मान लो ए और एल तो 1:1 लिखते. ठीक है, अब कितना प्रॉफिट होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको ध्यान समझना. प्रॉफिट कितना रह जाएगा बेटा? 50,000 का था. 50,000 में से 3,000 का तो इंटरेस्ट ऑन लोन है. 50,000 माइनस 3,000 दैट इज 47,000. 47,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. कितना आ जाएगा अमर के पास? तीनों के पास इक्वली होगा. 47 / 3 दैट वुड बी 15,667. अमर को भी इतना मिलेगा, ललित को भी इतना मिलेगा 15,667. ठीक है, और चारू को 15,666. अरे सर चारू को कम क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मेरे बच्चा वो एक रुपए का डिफरेंस है वो पॉइंट की वजह से, इसलिए, और कुछ भी नहीं है. आगे, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर. ललित इंदर को पार्टनरशिप में लाना चाहता है. चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल. चारू मना कर रही है. आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप एब्सेंट है तो
कोई भी नया पार्टनर बिना सबकी परमिशन के यानी बिना सबकी सहमति के पार्टनरशिप में नहीं आ सकता. सो क्या हो जाएगा, ललित कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, सॉरी इंदर, इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप. ठीक है, इंदर नहीं आ सकता. ये पॉइंट था पहला, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ. अब चलते हैं आगे. बेटा ध्यान समझना, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि जो प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट के थ्रू हम निकालते थे. बहुत सिंपल है सर, लास्ट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए हम यूज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, शॉर्ट में पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं, राइट. कैसे था याद एक बार, आइए जिसको नहीं याद उसके लिए बता दूं एक बार क्या होता है फॉर्मेट. पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारी डेट होती थी, यहां डेबिट यहां क्रेडिट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, याद दिला दूं एक बार सारी चीजें. यहां आपकी सारी इनकम्स आती थी, क्रेडिट साइड में सारे फायदे और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस यानी घाटा लॉसेस. जो इनकम होती थी उसे क्या बोलते हैं, बाय इनडायरेक्ट इनकम, जो भी हम इनकम कमाते थे बाय इनडायरेक्ट इनकम. जो एक्सपेंसेस होते थे उसे हम बोलते थे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा एक पॉइंट लिख लो भी इसमें जो बता रहा हूँ वो मीनिंग आगे बताऊंगा कि उसका यूज क्या है. इसमें लिख लेना बेटा मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लिख लेना, यूज बाद में बताऊंगा. इसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है टोटलिंग में तो आपका आता था नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, और गलती से डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय नेट लॉस, राइट. ये था पॉइंट. अब बेटा एक बात बताओ, लास्ट ईयर ये जितना भी प्रॉफिट कमाया ये यूज कौन करता था, ये लेके कौन घर जाता था. सर एक ही बंदा था, सोल प्रोप्राइटर से बोलते थे, वो ही सारा घर लेके जाता था. बट इस साल ये जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो क्या ये एक बंदा घर लेके जाएगा, ऑब्वियसली नॉट. क्या होगा बेटा, इस बार ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर्स में. कैसे बांटेंगे उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. अब वो कैसे बनाते हैं, वो भी सेम तरीके से बनाना है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारी रही होगी डेट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज. अगेन इसमें भी मेरे बच्चा सेम है क्या, सारे फायदे क्रेडिट में, सारे घाटे डेबिट में. अब एक बार ध्यान सुनो क्या करते हैं, कि जितना भी नेट प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहां इसकी क्रेडिट साइड में, यानी ये स्टार्ट होगा बाय नेट प्रॉफिट या एज पर पीएनएल अकाउंट. इसके ब्रैकेट में लिखना नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा जो पीएनएल अकाउंट से आया है. अब मैं आपसे पूछूंगा कॉमन सेंस से सोचना, कॉमन सेंस से सोचना कि ये फर्म के लिए, ये बिजनेस के लिए फायदा, यानी बिजनेस को आ रहा है या बिजनेस ने देना है. ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा या लेगा, देगा यानी खर्चा तो डेबिट में, और लेगा यानी इनकम तो क्रेडिट में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियसली बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सैलरी, पार्टनर को सैलरी देनी है, यहां पर आ गई. कमीशन, ए बी मान लो दो पार्टनर्स हैं
राइट, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स बिजनेस को मिलेगा, पार्टनर से लेगा बिजनेस, तो वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए बी राइट। अब एक पॉइंट और बता रहा हूं, रिजर्व, रिजर्व क्या है, वो पैसा जो बिजनेस अलग निकाल के रख दे, जो प्रॉफिट में से हम अलग निकाल के रख देते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए, जस्ट लाइक नॉर्मल हम घरों में करते हैं सेविंग्स, आपके मान लीजिए जो पेरेंट्स है वो कुछ महीने का कमा रहे हैं, लेट्स से हम अमाउंट ले लेते हैं 1 लाख रुपीज राइट, अब 1 लाख में से वो क्या कर रहे हैं 20,000 की सेविंग्स कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर यूज में आ सके, लेट्स से कहीं आप लोगों ने घूमने जाना है या कोई आपको बड़ा काम करना है, तो उसके लिए जो पैसा सेव कर रहे हैं, उसी तरह बिजनेस में जो हम सेविंग्स करते हैं दैट इज कॉल्ड रिजर्व। ओके, अब इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट, और करंट के ब्रैकेट में लिखना बेटा फिक्स अकाउंट। सर ये क्या चीज है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या चीज है आपकी, ए बी ठीक है, जो प्रॉफिट बच गया, अच्छा इसको हम बोलते डिविजिबल, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट है जो बच गया, अब जो पार्टनर्स में बट जाएगा सीधा सीधा, किस रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब मान लो गलती से डेबिट साइड वाली ज्यादा, वैसे डेबिट साइड वाली ज्यादा होती नहीं है, उसमें एक पॉइंट आता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या है कैसे है वो सारी चीजें बताएंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन, और जिसका हो जाए वो अटेम्प्ट करे क्वेश्चन नंबर 51।